आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे से उससे ऐसा काम मत करना। ओके। क्या हो गया, तबीयत खराब है आपकी? एकदम, मेरे को 6 बजे उठने की आदत है ना। अच्छा, तो भले 4 बजे सोया पर मैं 6 बजे उठ गया था। दैट्स आई डोंट बिलीव पापा अलोन। और फिर नींद ही नहीं आ रही थी मेरे को। ऐसे तो आप भी चलो, 6 बजे उठ गए थे आप, उसके बाद देन मैं जस्ट लेटे रहा था पर नींद नहीं आ रही थी मेरे को। 2 दिन बाकी है प्रीति को आने के लिए, तो मैं कैसे समझा पाऊंगा प्रीति जी को कि मेरे फैमिली को गेट टूगेदर क्यों किया था, और लैक ऑफ स्लीप दोनों वजह से आई थिंक मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। Once you get well, you stay there, I'll come back here, okay? क्या हुआ इशिता? पापा ठीक नहीं है, हमेशा मम्मा रहती है या फिर कोई तो रहता है। पापा ठीक हो जाएंगे, पापा डॉक्टर हैं। पापा इज गोइंग, मैं उनके साथ मैं जाके आ जाती हूँ बस। नहीं, आप यहाँ पे रहोगे। मुझे एक्चुअली ये पूरी फैमिली ही पागल लग रही है। ऐसे पागल सा आदमी जिसको किसी के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है, अपने बीबी के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर। जहां एक तरफ कविता इस बात से परेशान है कि दिलीप अपने ही घर में खुद के निर्णय को लेकर इतने कमजोर क्यों है, वहीं दूसरी तरफ प्रीति अविनाश की सोच जानने के लिए उसे करियर काउंसलर के पास लेकर आई है। वैजयंती, यहाँ बैठो। क्या हुआ है आपको, मुझे बताओ। मेरे को मेरे बहन के घर पे जाना है अभी। क्यों? मेरे पे ही सब काम पड़ता है, इसलिए मैं इतना काम कभी भी नहीं किया है ऐसा। मेरे को पता है क्यों नहीं पहले आप? वो दिन आपको बोला मेरी मदद कर दो तो आप घर आके बैठ गए। हाँ, तो फिर बात करना चाहिए था ना। मैं बोलती हूँ आप खुद का तो काम करो ना। क्या? पानी बॉटल में भरना, रात को आपको देना, वो तो आप कर सकते हैं ना। ये एक मेड एक बात बोल सकती है कि आप मुझे पानी देने के लिए क्यों बोल रहे हो, आप अपने आप नहीं ले सकते हो? तो ऐसे लोग, मतलब मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था उस वक्त पे। मुझे ये सुन के बड़ा शॉकिंग लग रहा है। अगर आप मुझे रात को पानी भर के दे रहे हो तो उसके लिए आप बोल रहे हो वो मैं अपने आप ले सकती हूँ। मैं दूसरा काम करती हूँ तो भी आप बोलते हैं मेरे को पानी भर के दो करके, तो आप भी खुद ले सकते हैं ना इधर से उठा के। इशिता को वो दिन बोला खुद का काम खुद करना चाहिए। हाँ। तो आप भी वैसा करना चाहिए ना। मुझे बड़ा ताजुब लग रहा है कि मैंने आपसे पानी मांगा तो उस बात पे वो हो रही है। पानी मांगने की बात भी नहीं हो, पानी पिलाना पुण्य का काम है। मालूम है मेरे को, पर आप खुद बॉटल ले सकते हैं भर के। Whenever Vaijanti asks for a help, my mom always goes and helps Vaijanti. Auntie, क्यों रो रहे हो? अब रो रही हूँ, क्यों रहे हो? क्यों ऐसे? रो क्यों? नहीं चाहिए मुझे, इस घर का पानी तक नहीं पीना मुझे, आज जाओ यहाँ से। Career counseling में he is already know what is his goal. What is my qualification? I've not seen the card. काउंसलिंग की जरूरत आपको है कि उसको है? अगर वो सामने वाला पढ़ा लिखा ही नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो how she can talk? तब क्यों नहीं पूछा आपने मुझे? तो मैं उनको पूछ लेती कि भैया उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, परवर्ता है तो भेजो, नहीं तो। वैलेंटाइन्स डे की थीम ने बिखेरी। ऐसी बातें दिल पे नहीं, मुझे सबसे बुरा लगा उसने पानी दिया मुझे। वो पानी भर के दिया उसने, पर वो कुछ काम कर रही थी, वो अपने बर्तन सुखा के मांज रही थी।
See, whatever misunderstanding you give her a good hug for. Reja. I don't want to. Sorry, बोलो मुझे. Sorry. नहीं मुझे नहीं चाहिए बाबा. जो पानी के लिए ऐसे कर. पानी के लिए. मुझे खाना भी नहीं खाना इस घर में. जब हक करने की बात आई तब आंटी ने मजबूरी में हक किया. मेरे को ऐसा लगा कि वो दिल से कभी हक नहीं किया. तो ओवरऑल कंक्लूजन तो यही हुआ पूरा निष्कर्ष के दैट करियर काउंसलिंग में ही इज ऑलरेडी नो वेयर व्हाट इज हिज गोल. सो अल्टीमेटली वन हैज टू just plan the approach. That was the whole conclusion. What is her qualification? I've not seen the card. मैंने कार्ड लिया है पर देखा नहीं. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 500 रुपये अभी गिरा के आई हो तो आप क्या कहोगी? ठीक है नहीं सेम अगर काउंसलिंग की जरूरत आपको कि उसको है. आप एक जगह आप मेरे बेटे को लेके जाती हैं और सामने वाले की आपको क्वालिफिकेशन मालूम नहीं है. आप डॉक्टर हैं, आप पढ़े लिखे, मैंने इसलिए छोड़ दिया. मैं छोड़ता ही नहीं अपने बेटे को किसी के साथ. अगर वो सामने वाला पढ़ा लिखा ही नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, अगर जिस सब्जेक्ट पे वो बात कर रहा है उसकी मास्टरी नहीं है तो हाउ सी कैन टॉक. तो यू शुड हैव टोल्ड कि मैं मेरे बेटे को भेजने से पहले उसका क्वालिफिकेशन देखना जानता हूँ. तब क्यों नहीं पूछा तुमने मुझे? तो मैं उनको पूछ लेती कि भैया उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, परवरता है तो भेजो, नहीं तो. आपने पूछा उससे? आपने मुझे पूछा नहीं था ना कि मेरे बेटे को क्वालिफिकेशन के जाने बिना मैं कहीं नहीं भेजूंगी. तो मुझे क्या मालूम कहां लेके जा रही है? आप परचेसिंग के लिए जा रही हो? ये बात आपने पूछा ना रेट्रोस्पेक्टिव तो यू कैन वेरी से एनी डाउट. पत्थर पे अपना सर नहीं मानना चाहिए, दीवार से अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए. समझाने की कोशिश उसी से की जानी चाहिए जो खुद अब समझना चाहता हो, जिसे लगता है कि वो बहुत परफेक्ट है, उसके व्यूज 100% है और उसी के हिसाब से सोच सबकी होनी चाहिए जो शायद वो उन्होंने किए अपने घर में. बेटा उसी हिसाब से चलना चाहिए, वाइफ भी उसी हिसाब से चलनी. वो जो बोले वो सही है, कोई कह रहे तो वो गलत है. उनके हिसाब से कोई एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए, सब अपने आप सीख जाना चाहिए. शायद उसका बेटा भी अपने आप सब सीख जाएगा. वो खुद कोई कॉलेज में गए नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे. ओके चलो बाय. कौन से? इशिता के लिए गारमेंट शूट के लिए कॉल था एंड दे वांटेड अ डेट फ्रॉम 17th टू 20th और ये डिसीजन मैंने खुद लिया है कि विल बी शूटिंग ऑन 19th एंड 20th. ये डिसीजन लेने टाइम मैंने प्रीति के बारे में जरा भी नहीं सोचा था. मैं तो कविता जी का 100% थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जिसने ये रूल लाया है और मेरे में खुद में सॉलिड कॉन्फिडेंस डाला कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो और अपनी बेटी और बीवी का भी डिसीजन ले सकते हो. अपनी बेटी के बारे में लिए